दुनिया में पैदा होने वाले हर 800 में से एक बच्चे के होंठ कटे फटे होते हैं। देश में हर साल 35,000 बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें जन्म से ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ स्माइल ट्रेन का दुनिया भर में निःशुल्क ऑपरेशन करा रही है। अब तक ये संस्था भारत में लगभग 6 लाख ऑपरेशन करवा चुकी है। वहीं इंदौर CHL अस्पताल में 8,500 ऑपरेशन हुए हैं। उपरोक्त जानकारी देते हुए स्माइल ट्रेन संस्था की मैनेजर प्रोग्राम ईशानी विश्वास और CHL अस्पताल के स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर जयदीप सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता लेने का हमारा पर्पस था, हम स्माइल ट्रेन संस्था जिसके साथ में पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं, कटे और कटे तालु वाले जो बच्चे होते हैं जिनके पैदाइशी रूप से ओट और तालु कटे होते हैं उनकी हम निःशुल्क सर्जरी कर रहे हैं। इन 13 सालों में हमने 8,500 ऑपरेशन कर दिए हैं और जो स्माइल ट्रेन संस्था है उसे 20 साल पूरे हो गए हैं इंडिया में, तो हम दोनों मिलकर इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने 2 प्रोग्राम रखे हैं। पहला प्रोग्राम कल है जिसमें जिन बच्चों को हमने ऑपरेशन किया है, जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनका फैशन शो है कल यहाँ पे CHL ऑडिटोरियम में ही, और जिन स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने हमारी मदद की उनका फेलिसिटेशन है कल। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।